वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है संडे मतलब कि फंडे। तो अभी मैं बना के आई हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाए हैं आलू के परांठे जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे जब मर्जी दे दो, मुझे रोज दे दो, मुझे इतने ज्यादा पसंद है ना। तो अभी जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वंशु के प्रोजेक्ट बनाने हैं मेरे को, वो भी बनाएंगे फटाफट से। तो भाई वंशु का एक चार्ट मैंने उठते उठते बना दिया था एंड बाकी के जो भी बच्चे हैं वो मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद फिर बनाऊंगी क्योंकि कल वंशु का स्कूल है तो प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। बाकी सारा काम हो गया इसका, बस चार्ट वाला काम पड़ा था तो आज हम कम्प्लीट करेंगे। सो गाइस ये वंशु का एक चार्ट है जो मैंने बना दिया, अभी बाकी के हम बनाएंगे। और ये हमारे पति रहे सुबह सुबह क्या खा रहे हैं? ये है मनरसा, बिहार की स्पेशल मिठाई, हमारे पति देव की फेवरेट, तिल वाली। कल से आई, सारी खत्म होगी, बस अब एक पड़ी होगी, मुझे लगता है मैंने खाई नहीं है। हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आ गई, नहीं ये नहीं बताना। सो पापा के साथ साथ बच्चों को भी ये मिठाई बहुत पसंद आई है ना, वरना ये लोग खाते नहीं है मिठाई। कैसी है वंशिका? दादू ने भेजी है, वंशु के दादू ने भेजी है। चावल के और तिल से, चावल पीस के उसमें खोया डाल के और ऊपर तिल लगा देते। अच्छा। सो गाइस अभी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसमें वंशु के चाट बनाएंगे और शाम को हमें जाना है मैंगो डे पर गोविंद गौ धाम, क्योंकि इस डे का मैं पूरा साल वेट करती हूँ कि कब मैंगो डे आएगा और गोविंद गौ धाम जाएंगे। बहुत ही मजा आता है लिटरली वहाँ पे। तो आप भी व्लॉग में लास्ट तक बने रहना देखने के लिए कि कितनी सुंदर मैंगो की डेकोरेशन होती है, हर जगह बस मैंगो ही मैंगो होते हैं। तो मेक श्योर व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस यहाँ है हमारा ब्रेकफास्ट, परांठा, चाय, दही हमारे पति देव के लिए और बटर मेरे लिए। तो जल्दी जल्दी से हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस अब भी ब्रेकफास्ट करके बर्तन धो के कपड़े धो के मैं फ्री हो गई हूँ। अब बनाने जा रहे हैं हम वंशिका का चार्ट। वंशु क्या कर रहा है? मैं गेम खेल रहा हूँ। कौन सी गेम? बंद फोन में वंशु गेम खेल रहा है। तो जल्दी जल्दी से इसका काम कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं वंशु का प्रोजेक्ट बनाने। ये सारा सामान मेरे स्कूल के टाइम का है, पता नहीं कितना कितना पुराना है। अच्छा जी, चलो अब फटाफट से वंशु के चार्ट बनाते हैं। एक मैंने बना दिया था, बहुत ही सुंदर बना है। देखो गाइस ये छोटा वाला फोन भी है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। वैसे आपको कैसा लगा? ये मेरा कम से कम 7-8 साल पुराना फोन, 7 साल पुराना है ना वैसे भाई, शादी के टाइम का ना हमारी, 7 साल पुराना फोन। और ये मम्मा मैं आपके खराब मत कर देना हेल्थ के चक्कर में। ठीक है। आजकल के स्कूल वाले ना बच्चों के नाम पे मम्मी पापा से काम करवाते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं जो बच्चे नहीं मम्मी पापा को बनाने पड़ते हैं। पापा तो क्या, मम्मी ही बनाती हैं। खैर सब बच्चों की, बच्चों से ज्यादा काम आजकल मम्मियों को मिलता है। अरे मम्मी इतना छोटा काम होता है, इतना छोटा सा काम करो। ये थोड़ा डार्किंग होना चाहिए था इसका ऊपर पत्ता। सो गाइस हमारा एक और चार्ट बन के रेडी हो गया। कैसा लग रहा है वंशिका? वंशु गुस्से है क्यों? क्योंकि इसको मम्मा ने कलर नहीं करने दिया। इसने सारे कलर, ये देखो ये वाला इसने किया, इसने बाहर निकाल दिया। इतना गुस्सा, देखो कितना सुंदर बना के दिया मम्मा ने आपको। सारे आपने किया, मैंने तो कोई नहीं किया। फिर क्या हो गया, सुंदर तो बना ना। तो गाइस एक लास्ट चार्ट भी हमारा अब रेडी हो चुका है। तो गाइज एक हमने ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड शेप्स, ये तीनों हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। कहाँ भाग रहे हो भैया? और अब भी बच चुके हैं 3 और हमें निकलना है। वैसे 3 बजे निकलना था, 4 बजे हम निकलेंगे क्योंकि चार्ट बनाने के चक्कर में मैं थोड़ी सी स्टक हो गई थी। अब बच्चे नहा रहे हैं, उसके बाद उनको रेडी करूंगी, फिर मैं रेडी होंगी। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, अदरवाइज हम लोग हो जाएंगे बहुत ज़्यादा लेट। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना बहुत ही सुंदर सा ये रेड कलर का सूट, जो कि वंशिका ने मुझे कहा कि ये वाला सूट पहन लो, तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया। और साथ में मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी एंड ये रेड ग्रीन बैंगल्स पहनी है सावन सावन वाला फील लेने के लिए। तो यह अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, सब लोग नीचे जा चुके हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, फटाफट से लॉक करते हैं फिर चलते हैं। मुँह तुरवा रही, कौन मुँह तोड़ रहा है? किशन भाई,
आ जाओ चलो पापा नीचे वेट कर रहे हैं, फटाफट चलो। कितने सारे अमरूद हैं, ले लो जाओ, देख के खाना कीड़े ना हो। हाँ, मुझे दिखा देना क्या लिया। अमरूद लिया पर नीचे बच्चे भी मांग रहे थे। नीचे बच्चे भी अमरूद मांग रहे थे, फिर दे दो। अभी वो कह रहे आएंगे तो किसी पर ये तोड़ के दे देगा। चलो फिर चलो। तकू क्या कर ले हो? क्या कर रहे हो? मम्मा की छीटी पे बैठ गए। पापा उठ गया। ये देखो कोई मूस ले लो, ये देखो कोई मूस। देख के देना कीड़े ना हो। अरे नहीं नहीं मैं गाड़ी में अभी रखूंगी। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो कुमार अभी अभी छो के उठ गया है ना, नीनी होगी पूरी। अभी हमें रिंकू और निधि को पिक करना है, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। दीदी दीदी टोटो बाबू। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, फटाफट से जाएंगे, हम लेट हो चुके हैं वैसे। अभी मेरा नोनू दूध पी रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। रश है ना, अब तो कम हो गया, अब कम हो गए, लोग चले गए हैं। तकू राधे 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 राधे, ग्लास मुंह में नहीं डालो। नो खा रहे हैं यम्मी यम्मी से मोमोज, फ्राइड मोमोज एंड स्प्रिंग रोल। आज आप फ्राइड क्यों लेके आए हो? कुछ अलग ही ट्राई करना है। अलग ट्राई करना है, हम पहली बार आज फ्राइड मोमोज ट्राई करें, अदरवाइज हम स्टीम मोमोज ही खाते हैं ऑलवेज। तो अभी फटाफट से खाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। हम अपनी ऑल टाइम फेवरेट जगह पे आए हैं, पर मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। इनके पास तीन तरह की चटनी होती है मोमोज की। बहुत गर्म है, तुम्हें टेस्ट ही नहीं पता लग रहा गर्म के चक्कर में। सब कुछ खाने के बाद आइसक्रीम खाने का जो मजा है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। हमने खा ली, बाकी सबके लिए ले ली, अब चलते हैं घर फटाफट से। अभी बच्चे उठ ही गए हैं। क्या कर ले हो? क्या कर ले हो? एप्पल। एप्पल क्या सिखाया नानी ने? फॉर एप्पल सिखाया नानी ने? फॉर एप्पल सिखाया तक्कू को? सीख लो नानी से फॉर एप्पल। एप्पल एप्पल। आइसक्रीम खा ली इन्हें? आइसक्रीम खा ली?
पता नहीं आ तो गिराई बीनी तक्कू ने खा ली आइसक्रीम सच्ची कैची थी यम्मी थी और खानी नहीं खानी खानी है कहाँ से तू बाहर।